आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। और दखल न्यूज में अब खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास बात कि पंच पर्व जो शुरू हो रहे हैं उसमें धनतेरस पर्व कैसे मनाएं, कैसे धनतेरस भगवान को प्रसन्न करें, क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। धनतेरस और रूप चतुर्दशी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। पंडित जी, दो पर्व हैं धनतेरस। धनतेरस माँ लक्ष्मी जी की जो पूजा पर्व है उसके दो दिन पहले आता है, तो कैसे धनतेरस भगवान को प्रसन्न करें। मान्यता है कि घर में कुछ शुभ चीज़ें खरीद कर लाएं, लक्ष्मी जी भी उससे प्रसन्न होती हैं। धनतेरस पे जो चीज़ वस्तु हम खरीदते हैं उसकी लक्ष्मी जी के पूजन के साथ उस वस्तु की पूजा की जाती है, तो चीज़ें खरीदने के रिवाज कैसे पड़े और धनतेरस भगवान कौन है। मैं पहले तो आपको धनतेरस के बारे में बताया देता हूँ। धनतेरस जो है भगवान धन्वंतरी के नाम पर पड़ा है जी। भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के देवता हैं। बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा जी, तो आप अपने धन का सदुपयोग कभी नहीं कर सकते जी। ना ही आपको रूप की प्राप्ति होगी, ना ही अपने जीवन में आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो धनतेरस पे भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि आज के दिन समुद्र मंथन से एक देव प्रकट हुए जिनके हाथ में अमृत कलश था। चार भुजाओं वाले देव थे जिनको भगवान धन्वंतरी कहा गया। दो हाथों से वो वर दे रहे हैं और एक हाथ में बहुत सुंदर सा अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए। अमृत कलश जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि उससे पहले जो देव और दानव थे उनकी आयु संपूर्ण होने से पहले ही मृत्यु हो जाती थी, यहाँ तक कि देवताओं की भी मृत्यु होती थी। तो सभी भगवान शिव के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए कि क्या उपाय हो सकता है। तो उन्होंने देव और दानव दोनों को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। उसी समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी पैदा हुए और अमावस्या के दिन माता महालक्ष्मी पैदा हुई। तो ये उनका प्रादुर्भाव है। धनतेरस में जो पूजा होती है वो धन्वंतरी और कुबेर दोनों की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। और धनतेरस पर जो सामान खरीदा जाता है, ऐसा माना जाता है कि दो दिन बाद माता महालक्ष्मी हमारे घर प्रवेश करने वाली है, तो उनकी पूजा अर्चना करने के लिए सारा सामान, सारी सामग्री दो दिवस पूर्व खरीदी जाती है। इसलिए धनतेरस का त्यौहार और पर्व मनाया जाता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि दीपावली पे माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए जो भी सामग्री आपको खरीदनी है उसके लिए शुभ दिन धनतेरस। धनतेरस है जी। तो धनतेरस भगवान का स्वरूप आपने बताया कि दो हाथों से वो वर दे रहे हैं और एक हाथ में उनके अमृत कलश है और एक हाथ से वो सबको अभय दे रहे हैं। अभय दे रहे हैं। तो भगवान धन्वंतरी हैं, आयुर्वेद के देवता हैं जी। आयुर्वेद, उन्होंने आयु को कैसे चलाया जा सकता है, आप अपना जीवन कैसे जिए, जीवन की क्या नियम और विनियम होना चाहिए, उसको बतलाने का काम भगवान धन्वंतरी ने किया है। तो ये डॉक्टरों के लिए भी बड़ा शुभ दिन है। डॉक्टरों का ही दिन है। और आप देखिए कि हम धनतेरस को किस स्वरूप में मनाते, भगवान धन्वंतरी को कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। सब ये कहते हैं कि धनतेरस भगवान की पूजा करनी है, वो धन के देवता नहीं है। हाँ। वो धन्वंतरी हैं। अर्थात आप धन का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप उनके नियम और विनियम का पालन कर पाए, तभी आप जब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मतलब डॉक्टरों के हाथ में भी जो एक धन्वंतरी भगवान की कृपा रहेगी तो वो अपने जो पेशेंट हैं उनको बहुत अच्छे से, बिल्कुल उनको अपने पेशेंट को जो उनके हाथ में जो शिफा होती है, उनके हाथ में जो यश और मान सम्मान होता है, वो केवल और केवल आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी ने ही दिया हुआ है। आप देखिए उस प्राचीन काल में क्या क्या नहीं हुआ। भगवान धन्वंतरी ने शल्य चिकित्सा और सारी चिकित्साओं का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ किया। आयु को बढ़ाने वाला वेद था इसलिए उसको आयुर्वेद कहा गया। हालांकि हमारे यहाँ आजकल चिकित्सा की बहुत सारी पद्धति हैं, होम्योपैथ है, हम एक तरह से जो आजकल MBBS होता है जो इंग्लिश पद्धति है, इसमें और आयुर्वेद में जमीन आसमान का फर्क है।
आयुर्वेद, भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद के बहुत सारे नियम विनियम बनाए, उसी की नकल करते करते विदेशों में एलोपैथी शुरू हो गई और वो एक अलग विधा है। लेकिन आज के दिन चूँकि आप देखिए कि इसके बाद शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु से पहले भगवान धन्वंतरी की यदि आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर लेते हो तो आप साल भर अपने आप को निरोगी पा सकते हो। तो आपको निरोगी काया चाहिए, धन का आप पूरी तरह से सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद की पूजा अर्चना अर्थात आयुर्वेद के जो जनक हैं भगवान धन्वंतरी उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। मतलब माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करें तब स्वस्थ रहकर आप माँ लक्ष्मी का उपभोग कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, धन्वंतरी भगवान आपने बताया कि कौन होते हैं, आपने बताया कि डॉक्टरों के लिए विशेष तौर पे इस दिन पूजा करनी चाहिए। जे, जे. अब जो एक विधि है, विधान है कि आज के दिन सामान खरीदना चाहिए, तो किस धातु को खरीदना चाहिए और किस धातु को नहीं खरीदना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि भगवान धन्वंतरी के निमित्त आप जो बर्तन खरीदने जाती है उसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको उस कारण को बता देता हूँ। देखिए भगवान धन्वंतरी कलश लेकर पैदा हुए थे, कलश माने हमारे यहाँ इस प्रकार का बर्तन जिसमें हम चीज़ों को संजो कर रख सकते हैं, जिसमें हम सामान अर्थात दाल चावल या हमारा आटा, हमारा भोज्य पदार्थ है उसको भी रख सकते हैं, हम जल को भी रख सकते हैं। तो उनके निमित्त बर्तन खरीदे जाते हैं, बर्तन यानी कलश लेने की परंपरा शुरू हुई। कलश के आकार का जो बर्तन होता है उसको खरीदा जाता है, तो आप बर्तन खरीदें। अब चूँकि आज के दौर में चांदी के बर्तन लेना बहुत मुश्किल काम है, यथार्थ रूप में तो चांदी के बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका जल जब आप पीते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा आती है, आपके शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। सोने के बर्तन हमारे यहाँ प्राचीन काल में लिए जाते थे, उससे हमारे शरीर को वो धातु मिलती थी जिससे हमारा हम चिर यौवन धारक माने जाते थे। आपने देखा आयुर्वेद में चांदी की भस्म और स्वर्ण भस्म की विशेष कर बात कही जाती है कि जब भी मनुष्य कमज़ोर होता है तो ये दोनों भस्म उसको हमेशा खिलाई जाती है कि ताकि शरीर में बारीक अवस्था में वो भस्म जाए, ताकि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो सके। अब चूँकि आज के दौर में इनको खाना और पचाना शुद्ध मिलना भी एक तरह से नहीं बचा है, तो सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, इसके बाद यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कांसे के बर्तन जिसमें बहुत सारी धातुएँ मिलाई जाती हैं। कांसा भी शुद्ध नहीं मिलता इसलिए पीतल के बर्तन खरीदे जाते हैं। पीतल के बर्तन आप नहीं खरीद पाए, आप आज के दौर में हर आदमी सक्षम नहीं बचा, तांबे के बर्तन ले लीजिए। तांबा नहीं खरीद पाए तो आप स्टील पे आ जाइए। लोहा किसी भी रूप में घर में लाना शुभ नहीं माना जाता, ऐसा माना जाता है कि लोहा एक तरह से शनि का प्रतीक है, परंतु आज के दौर में लोगों के पास चूँकि आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है इसलिए स्टील के बर्तन ले आते हैं। तो ये बर्तन लाने की परंपरा उनके कलश लाने की परंपरा से शुरू हुई, इसलिए हम भगवान धन्वंतरी उस दिन कलश लेकर पैदा हुए थे, इसलिए धनतेरस को बर्तन या कलश लाया जाता। ये तो हमने जान लिया कि क्या कैसे बर्तन लिए जाते हैं, धन्वंतरी भगवान की पूजा कैसे की जाती है ये बहुत सामान्य लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल, मैं दखल न्यूज़ के माध्यम से हमारे जितने दर्शक इसको देख रहे हैं मैं बताए देता हूँ। देखिए भगवान धन्वंतरी चार भुजाओं वाले देवता हैं, उनके एक हाथ में कलश है, तो आज भगवान धन्वंतरी की पंचोपचार से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान का यदि आपके पास विग्रह है, फोटो है, चित्र है, तो आप एक लकड़ी का पटा ले लें, उसके ऊपर भगवान को आप विराजमान कर दीजिए, पंचोपचार से पूजा अर्चना करिए, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर उनके ऊपर से आप लीजिए और एक कटोरी में छोड़ते जाइए। भगवान को चूँकि आयुर्वेद के देवता हैं, हर बहेड़ा और आंवला, हरड़ दोनों प्रकार की, छोटी हरड़ या बड़ी हरड़ दोनों आप ले लीजिए। छोटी हरड़ को कहा जाता है कि हमारी दूसरी माता है वो, क्योंकि वो हमारे शरीर का उतना ध्यान रखती है जितना कि एक माता रखती है, तो छोटी हरड़ को खाने का विधान है। छोटी हरड़ को लोग मुंह में रखते हैं और उसको हल्का हल्का चूसते रहते हैं तो शरीर पूरी तरह से स्वस्थ बना रहता है, क्योंकि पीठ जो हमारी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लीवर को साफ़ करना, किडनी को साफ़ करना, पीठ को ठीक रखने में बाल हरड़ से बड़ी भूमिका किसी की नहीं है। तो आज हरड़, बहेड़ा और आंवला ये भगवान धन्वंतरी को चढ़ाया जाता है, प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो उसका चूर्ण बना लें और प्रसाद के रूप में आप उनकी फक्की ले लें, या उन सबको मिलाकर आप किसी भी रूप में कोई भी भोज्य पदार्थ आप बना सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भी बनाया जाता है, इन तीनों चीज़ों को उसमें
मिलाया भी जाता है। तो भगवान धन्वंतरी को आप ये सारी चीज़ें चढ़ाएं, उनकी आरती करें, पंचगव्य जिसमें गौमूत्र और बाकी सारी चीज़ों को मिलाया जाता है उनके निमित्त चरणामृत के रूप में लिया जाता है। इस पंचगव्य में आप सभी जानते हैं कि नीम की पत्तियां भी उसमें बारीक पीस कर मिलाई जाती हैं। ये भी प्रथा है कि एकदम सुबह सुबह निहार मुँह नीम की पत्ती धनतेरस वाले दिन जरूर खाई जाती है। तो आप देखिए कि जब इस प्रकार से आप भगवान की पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो आप वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे जो बड़े ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाई, यदि हम उस परंपरा को विधिपूर्वक अनुपालन करते हैं, भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, तो हमको वो आयु प्राप्त होगी कि माता महालक्ष्मी जो दो दिन बाद हमारे घर धन संपदा देने आ रही हैं, उस धन का हम उपभोग केवल और केवल भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से ही प्राप्त कर पाएंगे। पंडित जी हमको बता रहे हैं कि भगवान धन्वंतरी कौन है, उनका कैसा स्वरूप है, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद हम पंडित जी से बात करेंगे कि किस राशि वाले को कौन से धातु की सामग्री खरीदनी चाहिए, कौन से धातु की वस्तु खरीदनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और धन्वंतरी भगवान की पूजा कैसे करें, ये पंडित जी ने हमको बताया। अब हम ये जानेंगे पंडित जी से कि कौन सी राशि वाले को क्या वस्तु खरीदनी चाहिए। पंडित जी, कौन सी राशि वाले किस धातु की वस्तु खरीदें कि साल भर उनको शुभ फल मिले। तो सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि की हम बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों को आज तांबे, चूँकि तांबे में कहीं ना कहीं मंगल का वास होता है, तो तांबे से बना हुआ कोई बर्तन वो ज़रूर खरीदें। सोना भी खरीद सकते हैं, सोना बहुत अनुकूल रहेगा उनके लिए, क्योंकि वर्तमान में गुरु उनकी राशि से अष्टम भाव में गोचर रहते। तो आज सोने का सिक्का या सोने का कोई भी बना हुआ सामान आभूषण अपनी पत्नी यानी ग्रह लक्ष्मी के निमित्त वो खरीद कर लेकर आए। तांबे से बनी हुई किसी वस्तु को खरीदें, अवश्य लाभ मिलेगा। पंडित जी, वृषभ राशि वाले क्या खरीदें? वृषभ राशि वाले जातकों को आज चांदी से बनी हुई कोई भी वस्तु अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी के बर्तन हैं, चांदी का सिक्का है, खरीदेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लोग क्या खरीदें? मिथुन राशि वाले जातक, बहुत सुंदर सा प्रश्न आपने किया है। मिथुन राशि स्वामी बुध है, तो आज आपको कोई ऐसी वस्तु अवश्य खरीदनी है जो कि वैभव विलासिता से जुड़ी हो, अर्थात आप घर की उपयोगी सामग्री जिसमें चद्दर है, तकिया है, बिस्तर है, पलंग है, तो आप कोई भी ऐसी वस्तु अवश्य खरीदें। और ख़ास तौर से ऐसी चीज़ खरीदें जहां पर लेखन पढ़न से जुड़ा हुआ काम अवश्य होता हो, तो आप करिए, अवश्य लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातक क्या करें? कर्क राशि वाले जातकों को भी चांदी और सोने से जुड़ा हुआ सामान खरीदना चाहिए। वो चाहें तो स्टील के बर्तन भी ले सकते हैं, बेहद शुभ और लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों को तो केवल और केवल स्वर्ण से बनी हुई चीज़ें खरीदना चाहिए, या स्वर्ण की पॉलिश की गई वस्तुएं भी वो ले सकते हैं। यदि स्वर्ण खरीदना संभव ना हो तो सोने की पॉलिश से बनी हुई कोई भी उपयोगी सामग्री जो आपको अच्छी लगे खरीदें, अवश्य लाभ होगा। कन्या राशि वाले क्या खरीद सकते हैं? कन्या राशि वाले जातकों को आज जैसा कि मिथुन राशि के साथ था वैसे ही कन्या राशि के साथ है, वैभव विलासिता से जुड़ी हुई खास तौर से स्त्री के श्रृंगार में काम आने वाली, छोटी बच्चियों के काम में श्रृंगार में काम आने वाली वस्तुओं को उनको लेना चाहिए, और साथ में एक चांदी का सिक्का भी खरीद लें, अवश्य लाभ होगा। तुला राशि वाले क्या खरीद? तुला राशि वाले जातकों को चांदी का गिलास, चांदी की चम्मच, स्टील की कटोरी, स्टील की थाली या स्टील का कलश ज़रूर लेना चाहिए, और साथ साथ एक सेंट यानी खुशबू वाली चीज़ ज़रूर खरीदें, ताकि माता महालक्ष्मी को आप इत्र अवश्य चढ़ाएं। इत्र होना चाहिए, आजकल का परफ्यूम नहीं होना चाहिए जो मार्केट में मिलता है। ये वृश्चिक राशि वाले क्या करें? वृश्चिक राशि वाले जातकों को सोना, खास तौर से तांबा, सोने का सिक्का ले लें, तांबे का बर्तन ले लें, तांबे का गिलास ले लें, इस तरह की कोई चीज़ खरीदें, आपको अवश्य लाभ होगा। धनु राशि के लोग क्या खरीदें? भाई, धनु राशि वाले जातकों को तो कोई भी पीला यानी सोने की वस्तु ही खरीदना चाहिए। धनु राशि वाले जातक और कुछ खरीदेंगे तो लाभ नहीं होगा। यदि सोना खरीदना संभव ना हो पीतल तो भी खरीद सकते हैं। पीतल भी खरीद सकते हैं,
पीतल खरीदना संभव ना हो तो आप कांसा खरीद लीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्वर्ण से जुड़ा हुआ है। मकर राशि वाले, मकर राशि वाले जातकों को आज चांदी का सिक्का या चांदी से जुड़ी हुई कोई भी सामान उनको ज़रूर खरीदना चाहिए, और ख़ासतौर से कोई जेम्स स्टोन जो कि होते हैं, नीलम हुआ, नीलम का उपरत्न हुआ, इस तरह की चीज़ें आप खरीदें तो मकर राशि वाले जातकों को ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि शनि की 7:30 भी चल रही है, तो आप उनके निमित्त कोई भी चीज़ खरीदेंगे इस प्रकार के धातु रत्न तो आपको अवश्य लाभ देंगे। कुंभ राशि वाले क्या खरीदें? कुंभ राशि जैसा नाम से प्रचलित है, उनको एक घड़ा यानी कलश ही खरीदना चाहिए, किसी भी धातु का एक कलश ले लें, चाहे चांदी का हो, सोने का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, एक कुंभ यानी अमृत कलश जिसको लेके भगवान धन्वंतरि पैदा हुए थे, वो कलश आज आपको अवश्य लेना चाहिए। शुभ रहेगा जी। मीन राशि वाले जातक, मीन राशि वाले जातक जैसा राशि स्वामी गुरु है तो उनको आज लेखन पढ़न से जुड़ी हुई कोई कलम जरूर खरीदना चाहिए, साथ में सोने का, पीतल का, चांदी का, कांसे का कोई बर्तन जरूर खरीदना चाहिए, उससे उनको अवश्य लाभ मिलेगा। पंडित जी, ये तो हमने राशिवार धातुओं की बात की कि किस धातु का किस व्यक्ति को सामान लेना चाहिए। खास तौर पे देखा गया है कि बाजारों में गाड़ियां बहुत उठती हैं धनतेरस वाले दिन, जबकि कहा जाता है कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन लोगों की मान्यता है कि धनतेरस वाले दिन अगर हम गाड़ी या कुछ भी खरीदते तो हमें शुभ रहता है जे। तो शुभ मुहूर्त क्या है, दिन में, दोपहर में, शाम को, कब शोरूम से गाड़ी उठाएं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप चौघड़िया का इस्तेमाल कर लें, चूँकि शुक्रवार का दिन है, चौघड़िया सुबह प्रातःकाल 10:30 से 12 के बीच में रहेगा, दोपहर में 12:30 से 3:30 के बीच में है, शाम को प्रदोष काल में आप उठा सकते हैं, और उस पूरे दिन चूँकि धन त्रयोदशी का दिन है, आप बिना मुहूर्त के गाड़ी उठा लीजिए, माता महालक्ष्मी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। आपने कहा वाहन क्यों उठाते हैं, जबकि वो लोहे का होता है, हाँ। उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ, चूँकि वो भी एक प्रकार का कलश है जो कि आपको चलते हुए आनंद दे रहा है जी, माने आपको एक ऐसा साधन जो कि आप उसके अंदर बैठते ही सुख प्रदान कर देता है, आपको चलना नहीं पड़ता, आनंद का अनुभव कराता है, तो इसलिए वाहन खरीदने की परंपरा उस दिन हमेशा मानी जाती है, तो वाहन खरीद लीजिए। पंडित जी हमको बता रहे थे कि धनतेरस भगवान क्या है, कौन है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे पूजा करनी चाहिए, किस राशि वाले जातक को क्या खरीदना चाहिए और वाहन क्यों खरीदने चाहिए, और सबसे खास बात कि धनतेरस के दिन कोई घड़ी, कोई मुहूर्त नहीं, आप कभी भी कुछ भी खरीदेंगे वो आपके लिए शुभ होगा। इस कार्यक्रम में समय एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और पंडित जी से बात करेंगे कि नरक चौदस और रूप चौदस क्या होता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब पंडित जी से बात करेंगे कि रूप चतुर्दशी और नरक चौदस एक ही दिन मनाया जाता है और क्यों? पंडित जी, एक ही दिन होता है, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं और नरक चौदस भी कहते हैं, क्या है दोनों में अंतर और एक ही दिन क्यों मनाते हैं? सबसे पहले तो आपको नरक चतुर्दशी बताए देते हैं। नरक चतुर्दशी का जो तात्पर्य है, नरकासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसने उस समय काल में जितने राजा इस संसार में पाए जाते थे उनमें से हर राजा की एक पुत्री को अपने यहाँ अपहरित करके लेकर आया था, तो उन लड़कियों की जो बच्चियों की संख्या थी वो 16,100 की संख्या थी जिसको उसने अपने कारागार में बंद करके रखा हुआ था। ऐसी मान्यता थी कि वो हर दिन एक बच्ची को की बलि देता है और पहले उसके साथ दुष्कृत्य करता है फिर उसकी बलि दे देता है। भगवान कृष्ण को पता लगा कि एक दुष्ट है, नरकासुर नाम का राक्षस है और उसने इस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार कर रखा है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर के यहाँ धावा बोला, उसके राज्य पर धावा बोला, उसका वध किया और 16,100 बच्चियों को मैंने राजकुमारियों को वहाँ से छुड़ाया। अब वो 16,100 जो राजकुमारियाँ वो कहती हैं अब हम कहाँ जाएँ, या तो आप हमसे शादी करो या हम आत्महत्या करते हैं। भगवान कृष्ण बड़े धर्म संकट में फंस गए। तब उन्होंने अपनी पटरानी रुक्मणी से पूछा कि आखिरकार हमको क्या करना चाहिए। रुक्मणी ने सलाह दी कि प्रभु आप इनसे विवाह करें,
फिर उसके बाद भगवान ने एक एक करके 16,100 रानियों के साथ, राजकुमारियों के साथ विवाह किया और वो उनकी रानियां कहलाई। इसलिए उनकी पत्नियों की संख्या थी 16,108। 8 उनकी पहले शादियां हो चुकी थी और 16,000 100 हुई। और आप देखिए, यही कारण था यदुवंश जो है बहुत फला फूला, क्योंकि हर एक से एक एक दो दो बच्चे हुए। और आप देखिए, उसके उपरांत इतने सारे भगवान के पुत्र थे जो कि अंतोदगतवा बाद में आपस में ही लड़कर शांत हुए। तो आज के दिन चूंकि नरकासुर का वध हुआ था और वो नरक को प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। एक और कहानी है नरक चतुर्दशी पे। आज मृत्यु के देवता यानी नरक के देवता यम का जन्मदिन भी होता है, उनका जन्म दिवस भी आज मनाया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। यदि आप आज उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती, यम के द्वार पर आपको कभी भी नहीं जाना पड़ता। तो आज के दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान यम आपसे प्रसन्न होंगे। तो नरक चतुर्दशी का दूसरा कारण ये था। तीसरा आपने पूछा रूप चतुर्दशी क्या होती है। रूप चतुर्दशी अर्थात भगवान आयुर्वेद ने आपको आयु तो दे दी, अब यदि आपके पास रूप नहीं होगा तो आप धन की देवी का उपभोग कैसे करेंगे। तो आपको रूप यानी यौवन प्राप्त करना होता है। तो आज रूप यानी यौवन को प्राप्त करने का भी दिन है, रूप चतुर्दशी कहा जाता है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों का विधान बनाया गया। आज के दिन सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले कड़वे तेल से शरीर की मालिश की जाती है। सूर्योदय से पहले जब चंद्र उगा होता है, क्योंकि चंद्र अपने अंतिम पल में चल रहा है, अंतिम पल में चल रहा होता है, क्योंकि अमावस्या में वो पूरी तरह से दिखना बंद होता है। तो चंद्र दिख रहा हो उस समय आप कड़वे तेल की अपने शरीर पर मालिश करें। उसके बाद आप उबटन लगाएं। उबटन लगाने का भी आज का दिन माना जाता है। उबटन इसलिए लगाया जाता है कि ताकि हमारे शरीर के सारे रोम छिद्र खुल पाएँ और हम स्वच्छ प्राणवायु को अपने शरीर में ले जाएं। क्योंकि प्राणवायु हम न केवल अपने श्वसन यानी नाक से लेते हैं, अभी तो हमारे शरीर के रोम छिद्रों से भी हम लेते हैं। तो आज के दिन उबटन लगाया जाना चाहिए। उबटन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, दूध दही घी, इसके बाद उसमें हल्दी लगाई जाती है। तो इस तरीके से उबटन औषधीय काढ़ा होता है जो कि आप अपने शरीर पर मलते हैं, उबटन लगाइए। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो उसको बोलते हैं अपामार्ग। इन दिनों में आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी सी झाड़ियाँ उग जाती हैं, तो वो अपामार्ग का जो पौधा है जो इन्हीं दिनों में उगता है, तो आज उसको आप तोड़ लाइए। उसकी दातुन से आप सबसे पहले तो मंजन कर लीजिए, क्योंकि आपके मुँह में जितने भी कीटाणु हैं जो भी है वो सब नष्ट हो जाएंगे उसके दातुन से ब्रश करने। आप जैसे ब्रश करते हैं वैसे उसकी दातुन कर लीजिए और फिर उसी जड़ी से आप अपने ऊपर छिड़किए जल को। तो जब आप उसकी जड़ से जल को छिड़कते हैं तो आपके शरीर में जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जितने भी रोग आपके शरीर में पाए जाते हैं, उन सारे रोगों से हमको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये हमारे पुराणों की परम्परा है, हमारी ऋषिकुल परम्परा है, जिससे हम अपना यौवन प्राप्त कर पाते हैं। इसके पीछे कथा भी एक बड़ी सुंदर सी है, मैं आपको वो कथा भी सुनाया देता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक रंती देव नाम के राजा हुए। ये घटना है सतयुग की। और राजा रंती देव बहुत धर्मालु और बहुत दान वाले राजा थे। तो जब उनकी मृत्यु होने लगी तो दो यम के सेवक, यमदूत जिनको हम कहते हैं, तो वो उनके प्राण हरण करने आ गए। तो उन्होंने कहा मुझे तो स्वर्गारोहण करना चाहिए, यमदूत कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा महाराज, एक बार जो है आपने एक ब्राह्मण को भूखा अपने घर से भगा दिया था। तो उन्होंने कहा भैया हम ऐसे तो नहीं जाएंगे, हम तो स्वर्गारोहण करेंगे, कोई उपाय बताइए। तो कहले आप महाराज, हम आपको तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक आप अपनी इच्छा से जाना नहीं चाहोगे। तो महाराज ने धर्म सभा बुलाई, सारे ऋषि मुनियों को बुला लिया, पूछा कि ये मेरे से गलती कैसे हो गई। तो सब ने उनको कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है तब तक आप व्रत करो और सुबह प्रातःकाल अपामार की जड़ से आप जो है अपने ऊपर जल छिड़को और उसकी दातुन करो, कड़वा तेल लगाओ, ताकि आपने जो नकारात्मक चीज़ें अपने जीवन में की हैं उससे आपको मुक्ति मिल पाए। तो उन्होंने इस प्रकार से किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं व्रतधारी रहे। उसका परिणाम यह हुआ
कि उनसे जो अपराध हुआ था उस अपराध से मुक्ति भगवान यम ने दिलाई। इसलिए उस दिन यम का दीपक भी लगाया जाता है, सुबह प्रातःकाल भी यम का दीपक लगाया जाता है और शाम को भी यम का दीपक लगाने का विधान है। 14 दीपक हम लोग लगाते हैं, 14 हम ऐसा मानते हैं कि हमारी 10 दिशाएं हैं और 4 भुवन हैं, तो 14 भुवन के निमित्त जो है 14 दीपक लगाए जाते हैं और एक चौमुखा दीपक जो कि दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ आप लगा सकते हैं, उस प्रकार से दीपक लगाने की विधा है। एक और छोटी सी कहानी है इसी में कि एक राजा हिरण्यगर्भ थे, उनके राज्य में एक ऋषि थे जो कि बरसों से तपस्या कर रहे थे और उसके चलते उनका शरीर कुरूप सा हो गया। नारद ऋषि वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा, पूछा उन्होंने ऋषि ने कि प्रभु ये मेरा तो मैं तो कुरूप हो गया, इतनी मैंने तपस्या की उसका कोई फल ही नहीं मिला। तो नारद ऋषि के साथ एक बार ये घटना घट चुकी थी, वो खुद कुरूप हो गए थे। तो उन्होंने कहा कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन आप शरीर में तिल का या सरसों का कोई भी कड़वा तेल लगाइए, उपटन लगाइए और अपामार की जड़ से आप अपने ऊपर जल का छीटा दीजिए, आप अपने रूप और यौवन को पा पाएंगे। तो रूप और यौवन को पाने का दिन है रूप चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी भगवान ने नरकासुर का वध किया, आज भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, आज के दिन भगवान कृष्ण की आप पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल सबके घर में, आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आज हनुमान जी का जन्मदिन भी माना जाता है जी, तो आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने का भी विधान है, तो आज के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, उनको प्रसन्न करिए, बढ़िया गुड़ चने का भोग लगाइए। तो आज के दिन आपको क्या क्या करना है, आपको पहले सुबह प्रातःकाल अपने आप को शुद्ध करना है, उसके बाद आपको यम के निमित्त दीपक लगाना है। और अच्छा, यम के निमित्त आपने जो दीपक लगाने के लिए दक्षिण दिशा की बात की, तो वो जरूर दर्शकों को बताइए कि यम का वास चुकी दक्षिण दिशा में होता है। हम ऐसा मानते हैं जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसका सर दक्षिण की तरफ होता है जी, उसके पैर जो है वो दक्षिण की तरफ होते हैं और सर उत्तर की तरफ होता है। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि दक्षिण दिशा में हमारे पूर्वज होते हैं, यम का वास होता है, तो दक्षिण दिशा में हमेशा दीपक लगाने का विधान है और पहला दीपक दक्षिण में लगाकर फिर सारी दिशाओं में दीपक लगाया जाता है, सुबह भी लगाते हैं और शाम को भी लगाते हैं। तो ये यम की दिशा में हमने दीपक लगाया, सुबह उठे और सबसे पहले अपने आप को शुद्ध किया, बिल्कुल, फिर यम का दीपक लगाया, बिल्कुल, और फिर हमने कृष्ण भगवान की, लट्टू गोपाल की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की और शाम को पुनः यम की पूजा की जी, क्योंकि हमने उनके निमित्त दीपक लगाया, क्योंकि यम की मूर्ति हमारे घर में नहीं रखी जा सकती और उनकी मूर्ति रखने का विधान कहीं पर भी नहीं, तो उनके निमित्त हम केवल दीपक लगाते हैं। और कहा यह भी जाता है कि दीपावली पे विशेष तौर पे घर पे सफाई जारी रहती है और महिलाएं चूंकि घरों में बहुत सफाई करती हैं, उसके बाद एक दिन जो रूप चौदस का दिन आता है उस दिन आप पार्लर जाएं या घर पे बेसन दूध दही से उपटन करें, अपने आप को शुद्ध और साफ करें और इस तरीके से रूप चतुर्दशी का पर्व मना सकते हैं। नरक चौदस का पर्व क्यों मनाया जाता है ये भी पंडित जी ने हमको बताया। ऐसे ही विशेष कार्यक्रम में हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।